गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम वाटर पोल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इनके द्वारा कौन कौन से प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज है प्रमुख फ्लोराइड, जो एक संपूर्ण विश्व में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और हमारे देश में बात करें तो जो राजस्थान स्टेट है, हमारा जो राज्य, इस समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। इनके द्वारा कौन कौन से इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फ्लोराइड युक्त जो वाटर है, उस जल का सेवन करने से फ्लोरोसिस डिजीज हो जाता है। इनके अलावा जो टीथ हैं उनके ऊपर मिल्टिंग या धब्बे या स्पॉटनुमा संरचनाएं, स्पॉटनुमा स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। इस फ्लोरोसिस डिजीज के अंदर जो बोन है वो सॉलिड यानी कि कठोर हो जाती हैं, या हम ये कहें कि स्टिलनेस स्थिति, जो हमारा कशेरुक दंड है, मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु वो कठोर हो जाता है, दर्द हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर पेन होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तथा जो बोन्स हैं उनका ब्रोकन होने की संभावनाएं भी ज़्यादा रह जाती हैं। यदि हम चर्चा करें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फ्लोराइड रिसर्च के अकॉर्डिंग 1987 इसके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बताया कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश, हम बात करें जैसे हमारा जो भारत देश है वो किस श्रेणी में आता है, एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो वाटर होता है उसमें भी अधिक मात्रा में फ्लोराइड है। वाटर, मिल्क एंड टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट है इनमें फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ के व्यक्तियों में जो फ्लोरोसिस डिजीज है उसके होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ चुकी है। तथा ये जो कंडीशंस है आगे और भी बढ़ने की संभावनाएं 1987 में बता दी थी। आज यदि हम इसकी स्थिति के बारे में चर्चा करें तो आज भी ये जो स्थिति है वो बहुत ही विकट बनी हुई है। इनके अलावा राजस्थान के कुछ ऐसे बेल्ट्स हैं जहाँ पर जल में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण व्यक्तियों में कुबड़ का निर्माण हो जाता है, जो इस फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से ये स्थिति होती है। इनके अलावा बहुत सारे व्यक्तियों में जो 50 ईयर्स क्रॉस करते हैं उनके बाद उनके जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होना प्रारंभ हो जाता है। तथा दांतों में भूरे या काले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, जो उनके लिए नुकसान के रूप में कार्य करते हैं।
अब देखो जो जॉइंट्स और जो अस्थियों में जो कठोरता के कारण व्यक्तियों में दर्द होता है, क्योंकि बोन्स होते हैं, उस बोन्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और जो कैल्शियम है ये फ्लोराइड के साथ बंधुता उत्पन्न करता है, यानी क्योंकि फ्लोराइड है, अगर फ्लोराइड का हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें, इसका फॉर्मूला देखें, तो एफ नेगेटिव होता है। फ्लोरीन एटम या परमाणु की चर्चा करें तो अगर मॉलिक्यूल्स यानी एटम के रूप में तो एफ है, और मॉलिक्यूल के रूप में होता तो एफ टू के रूप में ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ये जो पोटेशियम है ये फ्लोराइड के साथ आसानी से रिएक्ट हो सकता है, जिसके कारण अस्थियों में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, अधिक विकट स्थिति उत्पन्न होने के कारण पे जो घुटने हैं, पैर के जो घुटने होते हैं, वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसे नोक नी सिंड्रोम कहते हैं। नोक नी सिंड्रोम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि जो नोक नी सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो हमारा सीधा सा आंसर रहेगा फ्लोराइड के कारण, कि जो अस्थियां हैं या जो घुटने हैं वो मुड़कर बाहर की तरफ निकल जाते हैं, उस डिजीज को नोक नी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, उसे नोक नी सिंड्रोम कहा जाता है। और ये स्थितियां भी हमारे राज्य में खूब देखने को मिलती हैं। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें, तो राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से ग्रसित हैं, उनमें प्रमुख हैं अजमेर, जयपुर, अलवर, नागौर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, तथा हम जिस जिले में निवास कर रहे हैं, अगर झुंझुनू भी का भी कुछ बेल्ट्स इसके अंदर इंक्लूड है। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है, एफ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स की अधिकता पाई जाती है, या कहें कि इस वाटर में, इन जिलों के वाटर में अधिक मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है। इस फ्लोराइड के कारण जो हमने डिजीज देखे, एक तो बोन्स हैं उनमें कठोरता उत्पन्न होना, तथा नोकनी सिंड्रोम ऐसे डिजीज यहाँ के व्यक्तियों में सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं, और 50 ईयर्स के बाद में यहाँ के व्यक्तियों की स्थिति और भी विकट हो जाती है, क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है वो 50 साल के बाद में देखने को अधिक मिलता है। तथा जो टीथ होते हैं उनमें इनकी स्थितियाँ पहले से ही उत्पन्न हो सकती है, जो एक उनके लिए नुकसान भी इनके द्वारा हो सकता है। तो इनके लिए कुछ हम सुधार कर सकते हैं। सुधार किस रूप में किया जा सकता है, कि जो वर्षा का जल है उसको संचय करके, जहाँ तक प्रयास रहे, वर्षा के जल का उपयोग पेय के रूप में किया जाए, पीने के लिए उसको काम में ले सकते हैं। तो कुछ हद तक इससे हम बचाव कर सकते हैं। इसके लिए कुछ व्यक्ति जागरूक हुए भी हैं, कि वर्षा जल के संचय के लिए अपने घरों में विभिन्न प्रकार के टैंकों का निर्माण, या ये कहें कि कुंड,
इनका निर्माण इस समय व्यक्ति कर रहे हैं। अगर समय रहते हम नहीं चेते तो आगे स्थिति और विकट होने वाली है, इसलिए इसे सुरक्षित रहने के लिए सबसे जो उत्तम उपाय है वर्षा वाले जल का उपयोग करें। वैज्ञानिक स्मिथ व रिस्क के अकॉर्डिंग फ्लोराइड अधिकता वाले क्षेत्रों में यदि पशु वहाँ पर भोजन ले रहे हैं, चारागाह कर रहे हैं, तो इन पशुओं में भी फ्लोरोसिस रोग हो जाता है या होने की संभावना अधिकतम रहती है। तो हमारे साथ साथ जहाँ तक संभव हो तो पशुओं के लिए भी हमें उनके लिए कुछ इस प्रकार की कोशिश करें कि उस पानी में भी फ्लोराइड की न्यूनता रहे, या चारागाह वाले क्षेत्र ऐसे हों जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा न्यूनतम रहे। क्योंकि जो फ्लोराइड होता है ये प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होता है, जो एक विषैले पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है, उसको ये नष्ट करने में सक्षम, जिसके कारण हमारे अन्य जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके ऊपर भी इनके द्वारा विपरीत प्रभाव पड़ता है। बोन्स के लिए तो इनका हानिकारक प्रभाव है ही है, साथ में अन्य एक्टिविटीज़ में भी इनके द्वारा नुकसानदायक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो तो फ्लोराइड फ्री वाटर का सेवन करें। उसका एक मैंने छोटा सा उपाय आपको बताया है कि वर्षा जल संचय करें और पेय के रूप में उसी जल को काम में लें। तो ये था कि वाटर पोल्यूशन में फ्लोराइड के द्वारा कौन कौन से प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होते हैं। तो उनमें एक प्रमुख जो डिजीज था नोकनी डिजीज, जो एक विकट स्थिति है व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो अस्थियां हैं वो बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ कर देती हैं, घुटने बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिसे नोकनी डिजीज के नाम से जाना जाता है। ओके, धन्यवाद।